हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं दोस्तों। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसा है जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द स्टॉक, अबाउट द कंपनी जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है। मनप्पुरम फाइनेंस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फंड बेस्ड एंड फ्री बेस सर्विस इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। ये जो कंपनी है ये क्या करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये क्या करती है, वाइड रेंज ऑफ फंड बेसिस, जैसे कि उसमें इंक्लूडेड है गोल्ड लोन एंड मनी एक्सचेंज फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करती है। द कंपनी इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग टेकिंग एनबीएफसी। कंपनी जो है ये एक सिस्टमैटिक नॉन डिपॉजिट टेकिंग है एनबीएफसी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस कंपनी के ना फंडामेंटल्स को जानते हैं कि ये फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 127 रुपीज पर शेयर। अब तक का जो हाई गया है 134 रुपीज। अब तक का जो लो रहा है वो रहा है 82.7 रुपीज। मार्केट कैप है वो है 10,766 करोड़ का। इसका जो पी है वो 7.20 का है। आरओसी जो है वो 11.8% का है। इसका जो नेटवर्थ है वो है 9,645 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो रहा है 3 ईयर में 6.94% का। इसका जो बुक वैल्यू है वो 114 रुपीस का है। आरओई जो है वो 16.6% का है। सेल्स ग्रो जो ओवरऑल रहा है वो 10.3% का है। आरओसी जो 7 ईयर्स में रहा है वो रहा है 14% का। इसका जो डिविडेंड यील्ड है, अपने इन्वेस्टर को ये डिविडेंड प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है 2.40% का। फेस वैल्यू इसका 2 है। इसका जो ओवरऑल 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ रहा है वो रहा है 14.3% का। ओवरऑल ये जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल गुड है दोस्तों। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। पहले हम इसके प्रोज को जानते हैं, इसकी खूबी को जानते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये जो स्टॉक है ये 1.11 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू में ट्रेड की है दोस्तों। नेक्स्ट हम इसके कॉन्स को जानते हैं, क्या कमी है। कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी जो है उसका जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके रेवेन्यू को देखते हैं। मार्च 2020 में इसका जो रेवेन्यू है वो 1605 करोड़ का था, जो कि इंक्रीज होके अभी मार्च 2023 में 1772 करोड़ का रेवेन्यू। आप शेयर कैपिटल देख रहे होंगे दोस्तों, शेयर कैपिटल में भी इंक्रीमेंट ही आया है। नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। प्रमोटर होल्डिंग का जो परसेंटेज है यहाँ पे जून 2020 में 35.04% का था, जो कि मार्च 2023 में 35.20% का है। एफआईआई की जो होल्डिंग है यहाँ पे जून 2020 में 38.45% का था, मार्च 2023 में 30.17% का है। तो दोस्तों जून 2020 में जो डीआई की होल्डिंग थी वो 9.77% थी, जो कि मार्च 2023 में 13.54% है। पब्लिक का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो जून 2020 में 16.74% का है, जो कि मार्च 2023 में 21.11% का है। तो ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम गुड बोल सकते हैं। तो ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था। आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। अपने पोर्टफोलियो में 2-3% के लिए स्टॉक को पिक कर सकते हैं। फ्यूचर में इस स्टॉक के ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।